तो हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और वीडियो में स्वागत है। तो यहाँ पे आई नो यार, बहुत सारे लोग सर्च कर रहे थे कि बेस्ट टेम्पर्ड ग्लास फॉर रियल मी एक्स कौन सा होने वाला है, तो प्लीज़ उसकी वीडियो ज़रूर बना के बताइए। तो यहाँ पे आज मैं आपके लिए फाइनल लेके आ गया हूँ, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ रियल मी एक्स के लिए बेस्ट टेम्पर्ड ग्लास। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज़ यार, अभी तक आज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। तो यहाँ पे ये आपको टेम्पर्ड ग्लास देखने को मिलता है, जो कि आपको फुल 360 प्रोटेक्शन देता है और पूरा आपको यहाँ पे जो कि कर्व है, सिंपल ग्लास है, उसमें भी आपको पूरा इजीली लग जाता है। तो यहाँ पे डी प्लस का टेल मार्केट करके कोई आपको टेम्पर्ड ग्लास देखने को मिलता है ऑनलाइन, यहाँ पे ये अवेलेबल है, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे ओजी फॉर रियल मी एक्स आपको देखने को मिलता है, बिग शाइनिंग कर्व, फास्ट एग्जॉट और सेंसिटिव टचिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे ये बेस्ट है, अगर आपको यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट रहता है तो उसमें भी ये इजीली वर्क करता है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको मैं लगा के दिखा देता हूँ, लगाना काफ़ी ज़्यादा ईजी है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा। तो इसके टेम्पर्ड के साथ आपको यहाँ पे दो वाइप्स देखने को मिलते हैं, जो कि एक है वेट वाइप, जिससे आप अपनी स्क्रीन को क्लीन कर लेंगे ताकि यहाँ पे आपका कोई भी डस्ट वगैरह ना रह जाए। तो यहाँ पे स्क्रीन को क्लीन कर लेता हूँ मैं, इस तरीके से आपको सिंपली परफॉर्म करना है और स्क्रीन यहाँ पे क्लीन हो गई है। नेक्स्ट हम लेंगे एक, ये है ड्राई वाइप, जो कि आपको क्लीन कर देगा, डस्ट वगैरह अगर कुछ आई होगी तो उसको भी इजीली यहाँ पे आपकी क्लीन हो जाएगी। उसके अलावा कुछ यहाँ पे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आपकी स्क्रीन हो गई है टनाटन क्लीन। और ध्यान रखना, इसके बाद यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ भी डस्ट वस्ट मत लाना लगाते टाइम, तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे सिंपली आपको लेना है अपना टेम्पर्ड ग्लास, जो कि इस तरीके का देखने को मिलता है, काफ़ी ईजी, काफ़ी अच्छा यहाँ पर टेम्पर्ड ग्लास है, घर में आप बैठ के इसको लगा सकते हो। इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे पूरा और सिंपली अब हमको यहाँ पे इसको प्लेस कर देना है। तो यहाँ पे आपको अलाइंस करके इसका प्लेस करना है, ध्यान रखना सिंपली आप अलाइंस कर लो इसको इजीली तरीके से, तभी आप यहाँ पे इसको प्लेस करना, वरना इसको प्लेस मत करना, वगैरह अगर टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे इसको मैं अलाइंस कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको फ़ोन को रख के और ईजिली इसके साथ अलाइंसमेंट में आपको यहाँ पे लगा देता हूँ, तो काफ़ी ईजी यहाँ पे आपका मेथड हो जाएगा और फुल टू आपको 360 पूरा लगता है ऊपर से नीचे तक, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। सिंपली इसको यहाँ पे छोड़ देना है और देख रहे हो जो कि बबल रहते हैं सब निकल जाएंगे इसमें अपने आप ही, आपको इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे आपका बबल नहीं निकलता है तो यहाँ पे जो आपको वाइप्स देखने को मिलते थे इसी साथ, उसी से एक दो बार थोड़ा प्रेस कर दो ताकि आपके जो जो साइड से बबल्स रह गए हैं वो निकल जाएँ और जो कि यूज़ में रहते हैं तो यूज़ में आपके पूरे बाहर निकल ही जाएंगे धीरे धीरे यूज़ करते करते। तो यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आपको प्रेस करना है, अगर आपके कहीं भी बबल्स रह जाते हैं तो प्रेस करके आप इस तरीके से हल्का सा प्रेशर देके निकाल सकते हो, बाहर निकल जाएगा, आपका काम हो जाएगा और यहाँ पर आपका फ़ोन के अंदर टेम्पर्ड लग जाएगा। अब यहाँ पर थोड़े बहुत बबल्स जो रह गए हैं वो आप प्रेस करके निकाल सकते हो, नहीं तो डेली यूज़ करोगे तो भी आपका निकल जाएगा। अब यहाँ पर फिंगरप्रिंट दिखा दूँ तो फिंगरप्रिंट देख सकते हो ईजिली वर्क कर रहा है, फिंगरप्रिंट में कोई दिक्कत आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। तो फिंगरप्रिंट वगैरह सब आपका इजीली वर्क कर रहा है, साथ ही साथ ऊपर नीचे सब तरीके से यहाँ पे इजीली देख सकते हो लग गया है और काफ़ी अच्छा यहाँ पे पूरा फिनिश के साथ आपको ये टेम्पर्ड ग्लास देखने को मिलता है आपके रियल मी एक्स के लिए। तो ओवरऑल देखा जाए काफ़ी अच्छा यहाँ पे ये टेम्पर्ड ग्लास आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें काफ़ी अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे फिनिश करके लगाया हुआ है और काफ़ी अच्छा वर्क भी कर रहा है। ओवरऑल प्रोटेक्शन के मामले में काफ़ी अच्छा ये फुल स्क्रीन वाला टेम्पर्ड ग्लास आपको देखने को मिलता है। तो फिलहाल के लिए तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको बाय करना है लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके आप अपने रियलमी एक्स के लिए बाय कर सकते हो। देखो लगा हुआ है लेकिन पता नहीं चल रहा है कि बिल्कुल भी लग गया है अब आपके फ़ोन के अंदर टेम्पर्ड ग्लास, तो ये खूबी इस टेम्पर्ड ग्लास की आपको देखने को मिलती है। तो फिलहाल के लिए तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपको नई वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो। साथ ही साथ यहाँ पर यार कैमरा बम प्रोटेक्टर की वीडियो भी अगर नहीं देखी है तो देख सकते हो, लिंक दे दूंगा सबका डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ कवर्स का भी। टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।